हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से। केएमपी पर सुगम यात्रा में नशा, अवैध पार्किंग, बिजली चोरी बाधा, जानी कारण और बड़े हादसे। केएमपी की सुविधाएं भी जानी, 90% एक्सीडेंट अवैध पार्किंग व ड्रिंक एंड ड्राइव से हो रहे। हर 40 मिनट पर पार्किंग, इमरजेंसी में 16 किलोमीटर पर टोल पर सुविधा। कुंडली मानी से पलवल एक्सप्रेसवे पर 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वाहन चलाते हैं। हर दूसरे या तीसरे महीने बड़ी सड़क दुर्घटनाएं भी सामने आती हैं। मूल्यांकन करने पर पाया गया कि 90% सड़क दुर्घटनाएं अवैध पार्किंग, धुंध, वेड ड्रिंक एंड ड्राइव के कारण होती हैं। ड्रिंक एंड ड्राइव करने वाले वाहन चालक एक्सप्रेसवे पर मनमर्जी से कहीं भी अपने वाहन को रोक लेते हैं। इसी तरह से कुछ वाहन चालक अपने वाहनों को स्लो लाइन में रोक लेते हैं, जिसके कारण पीछे से आ रहे वाहन से टक्कर होती है और हादसे हो रहे हैं। HSIIDC ने ये की है व्यवस्था। HSIIDC के मुताबिक अगर किसी वाहन चालक को पार्किंग की जरूरत है तो इस एक्सप्रेसवे पर 40 किलोमीटर पर आसोदा गांव के पास व करीब 25 किलोमीटर आगे चलकर बुपनिया गांव के पास पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा हर 15 या 16 किलोमीटर पर टोल बूथ है, वहां पर भी पार्किंग व वॉशरूम की सुविधा है। यहां पर भी वाहन चालक सुविधा ले सकते हैं, लेकिन एक्सप्रेसवे पर अवैध पार्किंग करना सड़क हादसों को बढ़ावा देना है। हर टोल पर यह है सुविधा। अगर कोई भी सड़क दुर्घटना हो जाती है तो हर 15 किलोमीटर पर जो टूल बोथ बने हुए हैं केएमपी एक्सप्रेसवे पर एक्सीडेंट होने की स्थिति में वहां तत्काल सुविधा देने के लिए एक एम्बुलेंस, एक हाइड्रा मशीन व एक पेट्रोलिंग गाड़ी उपलब्ध है, जो कि 24 घंटे तैयार रहती है ताकि एक्सीडेंट होने पर जल्द से जल्द रास्ते को खोला जा सके और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुँचाया जा सके। पेट्रोलिंग की गाड़ी है, दिन में 6 चक्कर अपने एरिया में 15 किलोमीटर तक पेट्रोलिंग करती है, अवैध रूप से खड़े वाहनों को चलाने के लिए कहती है। इनके अलावा संबंधित जिले की पुलिस भी इस मार्ग पर पेट्रोलिंग करती है और अवैध रूप से चलने वाले वाहनों के चलान भी काट सकती है। बिजली चोरी बन रही एक्सप्रेसवे पर अंधेरे का कारण। कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे पर कुंडली से बहादुरगढ़ मानेसर तक हर 3 किलोमीटर पर HSIIDC का एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, जो कि स्पेशल केएमपी मार्ग की लाइटों के लिए है। शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक 12 घंटे तक हॉटलाइन बिजली सेवा यहां रहती है, लेकिन इस एरिया के किसान बिजली चोरी करते हैं और अपने पंप सेट चलाने के चक्कर में बिजली की इस हॉटलाइन के ट्रांसफार्मर के फ्यूज उड़ा देते हैं, जिससे मार्ग पर अंधेरा हो जाता है। इसकी शिकायत भी दी गई है, कई बार वायर भी जब्त की गई है, लेकिन इसके बाद भी आरोपी बाज नहीं आ रहे, जो केएमपी पर अंधेरे का मुख्य कारण है और सड़क दुर्घटना भी हो सकती है। ये हुए हैं हादसे। 27 जून को नूह के पास कैंटर में पीछे से आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में एक बच्ची और 2 महिलाओं की मौत। 10 जून को बाढ़सा के पास वैष्णो देवी से लौट रहे लोगों की SUV पिकअप के साथ दुर्घटनाग्रस्त, 4 लोगों की मौत। 25 मई को तावड़ के पास चारधाम से लौट रहे लोगों की बलेरो का एक्सीडेंट हो गया, 2 हादसे में 4 लोगों की मौत। 19 मई को बहादुरगढ़ के पास एक ट्राली ने किनारे पर सो रहे 18 श्रमिकों को कुचला, 14 की मौत। 16 फरवरी 2022 को पंजाबी अभिनेता दीप सिद्धू की स्कॉर्पियो ट्रक से टकराने से मौत, महिला दोस्त हुई थी जख्मी। केएमपी पर 90% से ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं खड़े वाहन से टकराने के कारण रिकॉर्ड की गई हैं। वीरवार को छछर से किसान अपने धान की कटाई के लिए यूपी से लेबर लेने के लिए गए थे, जिनके साथ हादसा हुआ जिसमें 5 की मौत हुई, 21 घायल हुए। RP वशिष्ठ मैनेजर HSIIDC केएमपी का कहना है कि करीब 70 सेफ्टी मैनेजमेंट कर्मचारी इसलिए हैं कि उनके एरिया में कोई भी सड़क दुर्घटना होती है तो मार्ग को तत्काल प्रभाव से सुचारू किया जाए और एक्सीडेंट में जो लोग घायल हुए हैं उन्हें तत्काल अस्पताल में पहुंचाया जाए। इसके लिए सारा साजो सामान भी उपलब्ध है। सेफ्टी मैनेजमेंट टीम इस दिशा में लगातार कार्य करती है और पेट्रोलिंग भी करती है। सड़क दुर्घटना कॉल आने पर तत्काल मौके पर पहुंच जाती है। अगर कोई वाहन दुर्घटनाग्रस्त होकर सड़क मार्ग पर है तो उसे हाइड्रा मशीन से साइड में कर देती है, ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं मिले। नमस्कार साथियों, मैं अमनदीप पारासर आप सभी लोगों को से अपील करता हूं कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी को ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जिताए व हुड्डा साहब का साथ दें। आने वाले टाइम में हुड्डा साहब को दोबारा से हमें CM बनाना है। हुड्डा साहब ही हैं जो अब की बार हरियाणा को बचा सकते हैं। हुड्डा साहब को लाओ, हरियाणा बचाओ। प्रधान ग्रुप स्पेशली डील इन IMT खरखुदा। कॉन्टैक्ट अस 9355500009 9643971000 7650027000
www.pradhangroup.com। उम्र के हिसाब से जो सफ़ेद मोतिया होता है उसका इलाज होता है, हम आँखों में ऑपरेशन करते हैं, लेज़र मशीन से ऑपरेशन होता है, आँखों के अंदर से हम सफ़ेद मोतिया निकाल देते हैं और उसके बाद आँखों के अंदर हम एक लेंस बिठा देते हैं। उस लेंस से मरीज का ऑलमोस्ट दूर का विजन नॉर्मल हो जाता है, बट नज़दीक के लिए उनको चश्मा लगाना पड़ सकता है। बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए प्रताप स्कूल खरखोदा का चयन करें ताकि आपके बच्चे संस्कार, शिक्षा, टेक्नोलॉजी, खेल, स्वास्थ्य एवं सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा विदेशों में तिरंगा फहराते हुए इंजीनियर, डॉक्टर, लेफ्टिनेंट तथा राजनेता बनकर देश एवं विदेशों में उच्च पदों को सुशोभित कर सकें। लगातार खबरों से बने रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।